सीरियसली मजा आ गया भैया देख के, कि जैसा मैं वीडियोस में देख रहा था उससे अच्छा मुझे अपना काम दिखा कि हर चीज में एक अलग लुक अलग मेहनत। ऐसा लग रहा है कि मैं न्यू लेके आया हूँ बाइक, फर्स्ट ओनर न्यू बाइक लेके आया हूँ। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और आज का वीडियो है होंडा CBR 650 के ऊपर, जिसके ऊपर हम फुल बॉडी रैप वर्क करने वाले हैं। पहले कस्टमर ने बाइक अपनी ऑलरेडी रैप करा रखी थी कैमेलियन कलर के अंदर, लेकिन ये रैप चाइनीज था तो ये साइडों से काफ़ी जगह से प्रॉब्लम देने लग गया था। रैप का कलर तो बहुत सुंदर था, बट प्रॉब्लम है कि चाइनीज रैप के अंदर प्रॉब्लम आ ही जाती है। सो अभी इसके ऊपर हम एवरी डायमेंशन का रैप यूज़ करने वाले हैं नाडो ग्रे के अंदर, जिसके अंदर हम पूरी बॉडी बाइक हम ओपन करके ही रैप करेंगे। और ये पहले रैप हो रखा था, काफ़ी कट पीसीज में रैप हो रखा था, और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी हालत अभी इतनी बेकार हो गई थी। इस रैप को ज़्यादा से ज़्यादा एक या डेढ़ महीना ही हुआ था, ज़्यादा रैप ओल्ड नहीं है, लेकिन कस्टमर ने कहीं और से कराया था और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम थी। और जो जिसने एप्लीकेटर था उसने प्रॉपर तरीके से रैप नहीं करा होगा, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। और ये बाइक बिना खोले ही पहले रैप हो रखी थी, साइड में रेडियम्स की काफ़ी सारे बॉर्डर, तो वो काफ़ी देखने में बेकार लगता है। तो अभी हम इसको अपने स्टाइल में रैप करते हैं, A1 ग्राफिक्स वाले स्टाइल के अंदर। पहले हम पूरी बाइक को ओपन करेंगे, देन हम इसके ऊपर रैप स्टार्ट करेंगे। ओपन करते हैं सबसे पहले मडगार्ड इस बाइक का। जब हमने टैंक का रैप उतारा तो अच्छी बात ये थी कि कस्टमर ने पहले ही उसके ऊपर लैमिनेशन करा रखी थी, तो टैंक वगैरह पर कहीं पर भी रैप ने गम नहीं छोड़ा था। रैप करने से पहले हम पार्ट्स को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। पहले हम वॉश करेंगे इसको शैम्पू से, और सारी जगह से इसकी मिट्टी वगैरह हम क्लीन कर लेंगे, जो कि डस्ट पार्टिकल कहीं पर भी ना रहे, अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। जितना पार्ट हम बाहर से साफ़ करते हैं उतना ही पार्ट हम अंदर से भी साफ़ करते हैं, क्योंकि रैप को हम अंदर फोल्ड करते हैं, अंदर टक करने के लिए पार्ट को कॉर्नर पर से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। बाइक को हम माइक्रोफाइबर टॉवल से ही साफ करते हैं हम, क्योंकि नहीं चाहते किसी भी तरीके का स्क्रैच क्लोथ से साफ करते वक्त बाइक के ऊपर आए, या बाइक हो या कार हो। पार्ट को शैम्पू से क्लीन करने के बाद हम उसको IPA से क्लीन करते हैं, जितना भी ऑयलीपन होता है ये उसको क्लीन करने में मदद करता है।
ये पार्ट हमने पूरा रैप कर दिया है, जैसा आप देख रहे होंगे इसके अंदर हमने सारा रैप अंदर की तरफ फोल्ड करा हुआ है, कहीं से भी रैप को कट नहीं दिया है, सारा सिंगल पीस में रैप करा है हमने। और मडगार्ड को भी हम ऐसे ही रैप करेंगे, पूरा सिंगल पीस रैप करेंगे, देन हम उसको अंदर रैप को फोल्ड करेंगे। बाइक के अंदर हमने कस्टमाइज स्टिकर्स का वर्क करा है, जिसके अंदर हमने कलर शेड्स चेंज करी है, जैसे ब्लैक कलर का CB और आउटलाइन में येलो, और जो हमारा R रहेगा वो रेड कलर का रहेगा। और हमने व्हील्स की ग्राफिक्स भी काटी है और होंडा का OEM स्टिकर्स भी बनाया है जो टैंक पर लगेगा।
इस बाइक के अंदर जो हमने होंडा के स्टिकर लगाए हैं वो बिल्कुल सेम साइज के बनाए हैं, जिसमें बाइक के जो नीचे का होंडा लिखा हुआ है उसके ऊपर ही ये बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई दे, जिसमें कि देखने में लुक बिल्कुल OEM लगे। जो हमारी बाइक थी वो पूरी रैप हो गई है और ये होंडा की 650F है जिसका फायरब्लेड इंजन है और हमने पूरी बाइक नाडो ग्रे के अंदर रैप करी है और हमने येलो का थोड़ा टचअप दिया है जिससे गाड़ी बहुत इनहेंस कर रही है और बाइक की जो लुक है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। और आपको मैं थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखाता हूँ कि आपको बाइक कैसी लग रही है, आप अच्छे से शॉट्स से मेरा नाम आकाश है और मैं भैया की वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहा था और इनका काम भी देख रहा था। सीरियसली मज़ा आ गया भैया देख के कि जैसा मैं वीडियोस में देख रहा था उससे अच्छा मुझे अपना काम लगा कि हर चीज़ में एक अलग लुक, अलग मेहनत और सीरियसली बहुत दिल से काम करते हैं, अपनी बाइक समझ के काम करते हैं। थैंक यू सो मच भैया बाइक को इतना प्यारा और नया लुक देने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं न्यू लेके आया हूँ बाइक, फर्स्ट ओनर न्यू बाइक लेके आया हूँ। मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है सीरियसली बोलने के बाद, मैं तो उसको बेचैन हूँ कि कब राइड करूँ। फाइनली मुझे फ्री कर दिया भैया ने करके, बहुत अच्छा काम करा। जेनुइन देखो, जेनुइन काम होता है तो मुंह से ऑटोमेटिकली बातें निकलती जो निकल रही है और जो मुझे फील आ रही है बाइक के साथ।